यत्न करे जा रहे हैं, उसका को यातनाएं दी जा रही हैं। भूत महल में छुड़ा दिया, नरभक्षी सिंह को छोड़ दिया, सैया पर कांच जहर में मिला के बिछा दिया, गिरधर गोपाल को चुरा लिया, इतने पे भी जब कुछ नहीं हुआ तो हलाहल विश्व मीरा को चरणामृत कह के मिला दिया। लेकिन जात उरा के सावरो उसे मार सके ना कोई, बार ना बाका है सके चाहे सब जग बैरी हो, मीरा का एक बाल भी बाका नहीं। दुष्ट निर्दोष विचार मृत्यु को उद्यम कियो, पर बार ना बापो भयो दरल अमृत जियो पियो। जिस प्रकार किसी को कटोरे में भर के अमृत दे दो तो वो आपके कहने की भी प्रतीक्षा नहीं करेगा और एकदम से झपट्टा मार एक ही सांस में गटक जाएगा। इसी प्रकार मीरा जी ने चरणों तक कह के उस हलाहल विष का पान कर दिया और उसके बाद मीरा झूम झूम के नाची है, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। मैं तो अपने नारायण की सहज ही हो गई दासी रे, लोग कहें मीरा भई बावरी, सास कहे कुल नासी रे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिलो अविनाशी। मीरा ने गाया है, उसके बाद भी राणा को चैन नहीं। अब क्या करूं, अब कैसे मीरा को खत्म करूं। अनेकों उपाय लगाए, कुमकुम दासी को बुला के विषधर नाग मीरा के पास भिजवाए कि ये नाग तुरंत मीरा को डस लेंगे और मीरा खत्म हो जाएगी। लेकिन मीरा की दृष्टि पर कोई वो विषैले नाग भी भक्त मालवी में वर्णन है कि वो नाग ही थे, लेकिन मीरा की प्रेम भरी दृष्टि जो ही उन नाग पर पड़ी वो नाग श्री शालिग्राम जी के स्वरूप हो। और जो ही मीरा के नेत्रों से अश्रु झरे हैं और शालिग्राम जी के ऊपर जो ही मीरा के अश्रु का अभिषेक हुआ, तुरंत ही जिस जगह शालिग्राम जी के मीरा के अश्रु गिरे हैं वहीं भी शालिग्राम जी के कोमल अंग में छिद्र हो गए। जो श्री शालिग्राम जी श्री धाम वृंदावन आज भी सबको दर्शन दे रहे। इतने पर भी राणा को चैन नहीं, अब क्या करूं, अब क्या करूं। जब वैद्यराज जी को जगाया है मीरा जी ने हरि नाम संकीर्तन सुना के, पर वैद्यराज जी हरि नाम संकीर्तन सुन के जो ही उठे, इधर उदा का हृदय परिवर्तन हो गया। उदा ने मीरा के चरणों में पड़कर अपने कृत्यों के लिए क्षमा मांगी कि मीरा जी मैं आपको नहीं समझ पाई, आप वाके में ही भक्ति मती हो, आपकी भक्ति महान है, लेकिन गाना अभी नहीं सुनता, उसे तो कुछ नहीं सूझता, बस किस तरह मीरा को रस्ते से हटाऊं। कोई भी युक्ति राणा की मीरा को मारने में काम नहीं आ रही और राणा का क्रोध बढ़ता जा रहा है, इतना बढ़ता जा रहा है। अब तक तो उदा किसी तरह संभाल लेती थी, नहीं भाई आप मत जाओ तलवार लेके, नहीं तो विद्रोह हो जाएगा। लेकिन अब तो मीरा की भक्त हो गई उदा, तो राणा को रोकने वाला भी कोई नहीं। और राणा का गुस्सा तो मानो ज्वालामुखी की तरह फट गया। अद्भुत पावन चरित्र महान भक्ति मती मीरा बारी, अद्भुत पावन चरित्र महान।
ने भेज रखी थी मीरा के पास, उनमें से जो सबसे चतुर एक दासी थी जिसका नाम था भूरी बाई। वो राणा के पास आई है, कहती है राणा जी आपको ऐसी खबर बताऊंगी कि आपके होश उड़ जाएंगे। आप मीरा को मारना चाहते हो, हम भी उसे रास्ते से हटाना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मन में लगता था कि ये भक्ति होगी, ये भक्त है, शायद ये भक्त है। लेकिन राणा जी आज मैंने ऐसी चीज देखी है कि आपको बताओगे बताऊंगा, अगर आपको ये बात बता दी तो आप अभी के अभी तलवार खींच दोगे मीरा की गर्दन पर। राणा ने कहा क्या हो गया? बोली राणा जी मैं अर्ध रात्रि में उठी जब जल पीने के लिए मीरा के कक्ष के बाहर से गुजरी तो मुझे किसी पर पुरुष की आवाज मीरा के कक्ष से आती है। मीरा किसी पर पुरुष के साथ बहुत बातें करती है कक्ष में बैठी बैठी हंस हंस के। हमने तो सोचा नहीं था कि मीरा जी इतनी कुलक्षणी होगी। और राणा को आकर कहा भूरी बाई राणा पर आई, भूरी बाई राणा पर आई, अर्ध रात्रि की बात बताई, अर्ध रात्रि की बात बताई, मैं मीरा कक्ष बाहर से जाई, मैं मीरा कक्ष किसी पुरुष की आवाज मैं पाई, किसी पुरुष की आवाज मैं पाई, राणा हो गया लालम लाल, अभी जाके गर्दन उड़ा दूंगा दोनों की तलवार से, ना तो मीरा ही बचेगी ना उसका वो यार बचेगा। आज तो गुस्से में चल दिया राणा आग को बुला होकर, और आया है मीरा जी के कक्ष में, दरवाजा खोलने को कहा, नहीं खुला दरवाजा तो देह लात मारी और अंदर घुस गया मीरा जी के कक्ष में। केश पकड़ कर मीरा के करता वार पे वार, रेख पड़ी ना मीरा के छूट गई तलवार, तलवार से अनेकों प्रहार मीरा जी के ऊपर कर दिए। कहा है बता तेरा यार कहा है, मीरा जी कहती कोई नहीं, मेरे गिरधर के सिवा कोई नहीं, मैं तो मीरा जी रात्रि में गिरधर के साथ चौसर खेलती हैं। अभी ये भौतिक जगत के लोग क्या समझे, ये तो इन्हें मूर्ति समझते हैं, लेकिन जो सच्चा प्रेमी होता है ये मूर्ति नहीं, ये ठाकुर उसके साथ बात करता है। मीरा जी कहती है मैं तो चौसर खेलू पीरू संग और बाजी लाऊ जी, और हार गई तो मैं पिया की, और जीती तो मेरो पी। कैसी बाजी वाह, हार गई तो मैं हो गई गिरधर की, और जीत गई तो गिरधर मेरा हो गया। भक्त लोग ऐसी बाजी खेलते हैं श्याम सुंदर के साथ, जिसमें जीतो चाहे हारो आनंद दोनों ही तरह से है। जिस प्रकार श्याम सुंदर कहते हैं प्रिया तू
आपके साथ खेल खेलने में बड़ो आनंद आवे है, क्योंकि अगर मैं हूँ जीत जाऊं तो मुझे आपको आलिंगन मिले है, और अगर मैं हूँ हार जाऊं तो आपके चरण कमलों में या मस्तक को झुकाने का सौभाग्य मिले है। तो यही प्रकार सुमीरा जी कहे, चौसर खेलूं पीऊं संग मैं तो बाजी लाऊं जी, हार गई तो मैं पिया की और जीते तो मेरो पी। लेकिन राणा कहता है नहीं, बता कौन है, केश पकड़ के मीरा के करता वार पे वार, पर रेख पड़ी ना मीरा के और छूट गई हाथ तलवार। थक गया राणा मारते मारते, लेकिन एक खरोच भी मीरा के नहीं आई। तलवार के प्रहार करता है अंधा, मीरा के अंग से पार हो जाती है तलवार, लेकिन मीरा जी के अंग पे एक रेख नहीं। मीरा निर्धर बैठ के चौसर, मीरा तो गिरधर के साथ चौसर खेल रही थी, लेकिन राणा कहां समझ रहा है। वो तो कहता है मूर्ति भी कोई बोलती है तू पागल बनाती है, पता कौन था, यही कहीं होगा। चौसर भी खेल दिया, कक्ष के सारे चीजें तोड़ फोड़ दी, पता कहां छुपाया है अभी निकाल बाहर। मीरा गिरधर बैठ के चौसर खेल खिलाई जी हो, प्राण
घर बैठ के जो सर खेल खिलाई मीरा के ऊपर, लेकिन मीरा को एक रेख नहीं आई। हताश होके तलवार हाथ से छूट गई, बल से निर्बल हो गया। तब वापस आया पैर पटकता हुआ, लेकिन पीछे से सब दासियां अब तो बेहद हो मीरा जी से कहने लगी, मीरा जी अब हम इस दौड़ में नहीं रहेंगे, अब तक तो जो सहना था सहन करते रहे। लेकिन मीरा जी आज तो हद से बात पड़ गई। इस नाना ने इतना दुस्साहस दिखाया कि आम के केसों को पकड़ के खींचा। मीरा से नहीं बर्दाश्त हुआ, मीरा जी अब नहीं रहेंगे, अब चलो यहाँ से कहीं भी रह लेंगे, रूखा सूखा खा लेंगे मीरा जी, लेकिन इस चित्तौड़ में नहीं रहेंगे। बोली मीरा जी, बोली मीरा से सब दासी, बोली मीरा से सब दासी, अब नहीं चित्तौड़ बसासी, अब नहीं चित्तौड़। लेकिन मीरा जी कहती है, ए बोली मीरा जी समझाए, मुखी नाही सुहाए, मीरा जी सिद्धांत दे रही है, हमें मनमुखी आचरण नहीं करना। चंपा आज हमें यहाँ कष्ट होता है तो हम चल दे, अरे नहीं अपने मन के अनुसार थोड़ी रहेगी, गिरधर की प्रीति में रहेगी। गिरधर जहां प्रसन्न वहां हम प्रसन्न, अगर ये शीश उतार के देना भी पड़े तो कौन सी बड़ी बात है। इसलिए मीरा कहती है, मनमुखी आचरण नहीं गुरु मुखी आचरण करना है, संत मुखी आचरण करना है। मीरा जी समझा रही है, बोली मीरा जी समझाए, बोली आचरण मन मुखी नाही सुभाए, वैष्णव संत आज्ञा से धाए, हम संतों की आज्ञा से चलेंगे, हम अपनी आज्ञा से नहीं चलेंगे। अगर भगवान को प्राप्त करना है तो उसी रास्ते पे चलना पड़ेगा जो पथ भक्तों ने संतों ने निर्धारित करा है। अपना रास्ता नहीं बना सकते कि हम वो भी चाहते हैं लेकिन इस तरह चाहते हैं, ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। मीरा जी सिद्धांत देती है, संतों की आज्ञा में ही चलना है चाहे कैसे भी कटे। जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहां भेजो वहीं जाए, चाहे नियरे रहे चाहे न्यारे रहे, पर तेरे ही कहलाएंगे। जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहां भेजो वहीं जाए। कोई अर्जी ना कोई उलहना, जरा जरा सी बात में दोष देते हैं। मीरा कहती है, ना कोई अर्जी ना कोई उलहना, तेरी प्रीति में मगन होके रहना, जो सहाओ वो हंस हंस के सहना, कुछ भी अपनी तरफ से ना कहना, जैसे राखोगे रह जाएंगे, जहां भेजो वहीं जाएंगे। इसलिए मीरा कहती है, आचरण मनमुखी नाही सुहाए,
संत वैष्णव की आज्ञा से धाय। अगर हमें किसी संत की आज्ञा मिलेगी तो जरूर जाएंगे, लेकिन अपनी बात ऊपर रख के नहीं जाएंगे। इतने में ही क्या हुआ, कुंभ शाम के मंदिर में, ये कुंभ शाम का मंदिर वही है जिसके पंडा ने आके मीरा जी पर चरणामृत दिया था, जिस मंदिर में श्री गौरी शंकर भगवान विराजमान है, गणगौर पूज में सब चित्तौड़ की नारियां गाती हैं, वही कुंभ शाम के मंदिर में संत चित्रकूट से आए, महिमा सुन श्री तुलसीदास जी की तुरत ही पत्र पठाए। सब जानते हैं इस बात को, जगत विख्यात ये बात है। मीरा जी के चरित्र में अति सुंदर ये पल है, सबको पता है। चित्रकूट से संत एक आए हैं यात्रा करते करते कुंभ श्याम के मंदिर में। मीरा जी संतों के प्रति अनन्य प्रेम रखती है, भाव रखती है, प्रणाम करा है, सत्संग हुआ है। मीरा जी के दिव्य भाव को देख के उन्होंने गोस्वामी श्री तुलसीदास जी की महिमा का गान करा है। मीरा जी ने जो ही गोस्वामी जी की महिमा सुनी, विहत आनंद से भर गई और कहा, संत भगवान आप कहाँ जा रहे हो? बोले कि मैं तो पुष्कर जा रहा हूँ, उसके बाद फिर से चित्रकूट ही पधारूंगा अपने गुरु महाराज के शरण। मीरा जी ने तुरंत कहा, प्रभु मेरी एक विनती है आपसे, आप मेरा एक पत्र गोस्वामी जी को दे दीजिए। मीरा जी ने तुरंत पत्र लिखा है, कुंभ श्याम के मंदिर में संत चित्रकूट से आए, महिमा सुन श्री तुलसीदास जी की तुरंत ही पत्र पठाए। पत्र दिया है, ये छठे संत की कृपा मीरा जी पे होने वाली है। क्या पत्र में लिखा है सबको पता है, स्वस्ति श्री तुलसी गुण भूषण, स्वस्ति तुलसी। ये मीरा जी ने जो पत्र लिखा है उसी के शब्द हैं, यही अक्षर मीरा जी ने लिखे हैं। सबसे पहले प्रणाम करा है तुलसीदास जी के चरणों में, स्वस्ति श्री तुलसी कुलभूषण, स्वस्ति कुलभूषण, स्वस्ति श्री तुलसी कुलभूषण, स्वस्ति श्री तुलसी कुलभूषण, दूषण है। प्रथम की दो पंक्ति में मात्र आठ पंक्तियां मीरा जी ने लिखी हैं, और कोई हम जैसों को कह दे तो अपनी विपत्तियां ही लिखे। आठ पंक्ति में भी मीरा ने पहली दो पंक्ति में प्रणाम ही करा है, उसके बाद कहा है, घर के स्वजन हमारे जेते, घर के स्वजन क्या क्या कहते हैं। मीरा ने ये नहीं लिखा, मीरा कहती है उपाधियां बढ़ाई है, जबकि क्या कहते थे, कुल कलंकिनी नाशिनी डंकिनी पापिनी।
मीरा जी को वैश्या तक कहा गया है। मीरा ने कहा घर के स्वजन हमारे जेते, घर के स्वजन स्वजन हमारे जेते, सबल उपाधि बढ़ाई, बहुत उपाधि बढ़ा दी, और साधु संग अरु भजन करत मोही देत कलेश महाई। मैं साधु का संग करती हूँ, भजन करती हूँ, तो उन्हें देख देख के कलेश होता है और मेरे को भी कलेश उत्पन्न करना चाहते हैं। लेकिन मीरा जी आगे क्या कहती हैं, प्रभु जी ये तो उनकी बात है, मेरे चित्त की बात सुनो। सो तो अब छूटत नहीं क्यों हूं, सो तो अब छूटत नहीं क्यों। मीरा जी कहती है साधु संग और भजन करत मोही देत कलेश महाई, लेकिन प्रभु जी सो तो अब छूटत नहीं क्यों हूं, लागी लगन बरियाई, लागी लगन बरियाई, बालपने में मीरा की, साधु संत और कीर्तन में सबको कलेश होता है, लेकिन अपने मन की कहती हूँ प्रभु जी सो तो अब छूटत नहीं क्यों, किसी भी प्रकार से मुझसे नहीं छूट सकता। लागी लगन बरियाई, पक्की लगन लग गई है, क्योंकि बालपने में मीरा की नहीं गिरधर लाल मिटाई, मेरी तो गिरधर लाल से जो मिटाई है, मिलन है, वो तो मेरे बालपने में ही हो गया, अब कैसे छूटे राम रतला, अब तो मेरी ये अभ्यास नहीं पक चुकी हूं, कैसे छूटे। मेरे मात तात सम तुम हो, मेरे मात तात सम तुम हो। मीरा जी गोस्वामी जी के लिए कहती है मेरे मात तात सब तुम हो, तुम मेरे माता पिता के समान हो। मेरे मात तात सम तुम हो, मेरे मात तात सम तुम हो, हरि भक्तन सुखदाई, हरि भक्तन सुखदाई, मैं को कहा उचित करी बो, मो को कहा उचित करी वो अब।
स्वस्ति श्री तुलसी गुणभूषण स्वस्ति मीरा जी कहती है मेरे मात तात सब तुम हो हरि भक्तन सुखदायी हरि भक्तों को सुख मिलता है आप सानिध्य में मेरे माता पिता के समान हो मुझे बताओ मेरे लिए क्या उचित है मोको कहा उचित करीबो अब सो लिखिए समझाई मीरा जी ने प्रश्न नहीं करा क्या मुझे घर छोड़ देना चाहिए मीरा जी ने कहा मेरे लिए क्या उचित है वो बताइए जिस प्रकार गोस्वामी जी कहते हैं मानस में नारद जी ने क्या कहा जब प्रभु ने कहा वरदान मांगो यही प्रकार नाथ होत हित मोरा उसी प्रकार मीरा जी कहती है जिस प्रकार आपको जो उचित लगे मेरे लिए कहो मेरे मात तात सम तुम हो हरि भक्तन सुखदाई मोको कहा उचित करीबो अब सो लिखिए समझाई प्रभु मेरे लिए वही बात लिख के मुझे बताओ ये पत्र दिया है संत भगवान को कहा तो स्वामी जी के चरणों में अर्पित कर अब तो जो ही पत्रिका गोस्वामी जी के पास पहुंची है गोस्वामी जी देखिए क्या करते हैं उस पत्रिका को पढ़ी पत्रिका माथे लाके जो ही पत्रिका को पढ़ा है तुरंत माथे से लगाया है कोई बहुत बड़ी भक्ताई है तो कोई भक्तिमती है के ही ऐसे भाव हो सकते हैं गोस्वामी जी ने तुरंत पत्रिका को प्रणाम करा है कि मैं इतना भाग्यशाली तो नहीं कि मीरा के चरणों में प्रणाम कर सकूं लेकिन मीरा के हस्त से लिखी पत्रिका को मानो गोस्वामी जी इस प्रकार प्रणाम करते हैं कि मैं मीरा के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रहा हूं पढ़ी पत्रिका माथे संत भगवान के हाथ उत्तर पठाई जी वो पढ़ी पत्रिका माथे लागे उत्तर पठाई जी हे अद्भुत पावन चरित्र महान पतिमति मीरा भाई है जो ही मीरा जी के हाथ में पत्रिका आई है लिखा है गोस्वामी जी ने मीरा जी के लिए नहीं संपूर्ण जगत के लिए लिखा है ऋचा के प्रिय नाराम भेदेही Touch it.
दुश्मनों का कोई दुश्मन हो उसको करोड़ों करोड़ों जन्मों का कोई दुश्मन हो उसको तुरंत छोड़ दो, इस प्रकार छोड़ दो। दरिये का ही तो बताया। एक सन्यासी भी जब सन्यास दंड शिक्षा दे देता है सबसे नाता छूट जाता है, लेकिन तब भी शास्त्र कहते हैं कि अगर उसकी जन्म देने वाली माँ उसके सामने आ जाए तो उस दंड धारक को तब भी अपनी माता को प्रणाम करना बनता है, क्योंकि वो माता के ऋण से उऋण नहीं हो सकता, उसने 9 महीने गर्भ में पाला है। भाई बजाओ, फंदे क्यों करते हो? राम नाम की बात है, कलेजा चीर दो। लेकिन उस माता को भी यहाँ तक कह दिया कि पेट से जन्म देने वाली माता ही चाहे क्यों ना कितनी ही सनी हो उसका तुरंत वो तुरंत त्याज्य है, क्योंकि उसे नाम प्रिय नहीं, राम नाम प्रिय नहीं। और उदाहरण दिया है गोस्वामी जी ने, खाली कह नहीं दिया, मीरा जी के प्रेम को फल देने के लिए उदाहरण दिया है। मीरा अकेली तुम नहीं, यो पिता प्रहलाद विभीषण, कहियो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी, बंधु भरत महतारी। जी प्रहलाद ने अपने पिता को त्याग दिया, विभीषण ने अपने भाई को त्याग दिया, और क्या कहूं, भरत जी ने तो अपनी जन्म देने वाली माँ को भी त्याग दिया, बस इसलिए कि राम प्रिय नहीं। तजियो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी, तजियो पिता प्रहलाद ने अपने गुरु को ही त्याग दिया।
वो मना करते हैं, ये स्वावन की शरण में मत जाओ। ऐसा गुरु किस काम का जो प्रभु से ना मिलाए। मिया जी कितनी तक कहूं, भाई पिता की बात छोड़ो, भरत जी ने माता का ही त्याग कर दिया। और इससे भी ऊपर की बात सुनो, बलि गुरु तजियो संत ब्रज पानी तनही, बलि ने गुरु का त्याग कर दिया और ब्रज बाला ने अपने पतियों का त्याग कर दिया। बली गुरु तरी कंत यानी पति कंत ब्रज बनी तनही, ब्रज गोपियों ने तो अपने पतियों का ही त्याग कर दिया। बली गुरु तरी कंत ब्रज बनी तनही, और भाई बुद्ध मंगल जाके प्रिय नाम बैठे ही, जाके प्रिय नाम जाके प्रिय नाम जाके प्रिय नाम। और कहते हैं मीरा जी आप मेरे से मत पूछती हो, आप कहती हो क्या उचित है मेरे लिए करना, आप मुझे लिख के बताओ। तो कहते हैं वो स्वामी जी, नाते नेह राम के मनियत, नाते नेह राम के मनियत, सुहद सुसे बेजहालो, सुहद सुसे बेजहालो। एक नाता वसराल जी से नाता, एक राम जी से दूजा नाता छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। नाता ने हराम के मनियत, नाता ने हराम के मनियत, सुहद सुसे बेजहालो, सुहद सुसे बेजहालो, अंजन तहा आखी जे ही जो आंखों से अंधा हो। अंजन कहा आखी जे ही फूटे, अंजन कहा आखी जे ही फूटे, और बहु तक कहो सहारो, जाके प्रिय नारा दे ही, जाके प्रिय जिस प्रकार एक अंधे व्यक्ति का अंजन से कोई आसक्ति नहीं, उसी प्रकार हरि भजन करने वाले को हरि विमुख से कोई भी लगन नहीं। तुरंत छोड़ दो उसको। और आगे कहते हैं, तुलसी तो सब भांति परम हित, 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 पूज्य प्राण से प्यारे, पूज्य प्राण से प्यारे। आगे कहते हैं सोगंध एक मात्र उसी से परम हित है, राम नाम से ही परम हित है, उसी को प्राणों से ज्यादा प्रेम करना है, प्राणों से भी बढ़कर प्रेम करना है। तुलसी सो सब भांति परम हित, पूज्य प्राण से प्यारे, पूज्य
में प्रीति वर्ती हो। जासो होए स्नेह राम पद ए तो मत हमारे, यही हमारा मत है मीरा जी। जाते हो मीरा जी ने गणगौर नहीं पूजा, लोग कहते हैं देवी की उपास कर दिया, देवी की उलाहना करिए नहीं। मीरा कहती है जब मेरे हाथ में हीरा है तो स्फटिक का चमकदार एक खिलौना लेके क्या करूं। इसी प्रकार गोस्वामी जी जब मानस जी में सबसे प्रथम गणेश जी की वंदना करते हैं तो अंत में यही कहते हैं, इसका फल स्वरूप यही देना, बसहु राम सियमानस मोरे। अर्थात बात क्या है, किसी देवी देवता की उपासना की उलहना नहीं है, लेकिन उनकी उपासना क्यों है कि आप भी अनुग्रह करके सियाराम जी के चरणों में ही मेरी प्रीति दो। इसके अन्यत्र और किसी कार्य के लिए मैंने आपकी पूजा नहीं करी, और यही बात मेरा जीवन में सिद्धांत बनाई है। तुलसी तो सब भांति परम हित, तुलसी तो सब भांति परम हित, पूछे प्राण से प्यारे, पूछे प्राण से प्यारे, जासो होए स्नेह राम पद, जासो होए स्नेह राम पद, जाके प्रिय राम मरे, जाके प्रिय राम मरे, जाके प्रिय राम मरे, तजियो ताही कोटि बेरी संग, तजियो ताही कोटि जाके प्रिय नाराम, जाके प्रिय नाराम, मेरा ये को उत्तर मिला है, जाके प्रिय नाराम वैदे ही तजिए ताही कोटि वैरी सम जगति परम तजियो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बलि गुरु तजियो कंत ब्रज बनि तनहि पय मुद मंगलकारी नाता नाते नेह राम के मनियत सुहद्र सुसेव्य जहां लो अंजन कहा आखी जेहि भूते बहुत तक कहो कहां लो तुलसी सो सब भांति परम हित पूज्य प्राण ते प्यारे जासो होए स्नेह राम पद ऐ तो मतो हमारे। और जो ही मीरा जी ने पत्रिका पढ़ी है, मीरा जी जब उत्तर पाई, मीरा जी जब उत्तर पाई, संत की आज्ञा जान तब पाई, संत की आज्ञा जान तब पाई, अब तो मीरा चली चित्तौड़ को त्याग, मीरा चली चित्तौड़ को त्याग, मीरा जी को एक दिन भी नहीं लगाया, जो ही पत्रिका पड़ी है छठी कृपा मीरा के ऊपर हुई है, मीरा ने तुरंत दासियों का दासियो चलो मन मुखी आचरण नहीं करा, मीरा ने अपने ऊपर होने वाले त्रासों को
असहनीय जान कर नहीं गई है मीरा, संत की आज्ञा से जाती है। मीरा चली तोड़ को त्याग, मीरा चली के तोड़ को त्याग, अब तो कृष्ण मिलन की लाग, अब तो कृष्ण मिलन की लाग, हे माने अपनो भाग सुहाग, अपनो भाग सुहाग। मीरा जी चली है और गाती है, हे राणा जी अब ना रहूंगी तेरी हट की, राणा जी अब ना रहूंगी तेरी हट की, राणा जी अब ना रहूंगी तेरी हट की, राणा जी संग मोही प्यारो लागे, लाग गई घूंघट की, साधु संग मोही प्यारो लागे, अब लाग गई घूंघट की, पीहर मेरे सा छोड़ अपना, राणा जी अब ना रहूंगी तेरी हट की, राणा जी हट की सब जानते हैं, महल हवेली को हट की कहते हैं। सतगुरु कर दिखाया घट का, सतगुरु कर दिखाया, सतगुरु कर दिखाया घट का, सतगुरु कर दिखाया घट का, ना चुंगी दे दे छुटकी, ना चुंगी दे दे छुटकी, हार श्रृंगार सभी देऊं अपना, अब ना रहूंगी तेरी हट की, राणा जी हूँ अब ना रहूंगी तेरी हट की, मेरा सुहाग अब मोको दर्शा, मेरा सुहाग अब मोको गाओ भैया, मेरा सुहाग अब मोको दर्शा, मेरा सुहाग क्या कहा मीरा जी ने इससे पहले, सतगुरु मुकर दिखाया घट का, घट के अंदर अब मीरा कहती है मेरा सुहाग अब मोकुर, अंदर बसते हैं लेकिन दूसरे को क्या पता मेरे घट की, मेरा सुहाग अब सुंदर सा, मेरा सुहाग अब महल किला राणा मोही न चाहे, महल किला राणा मोही न चाहे, सारी रेशम पट की, सारी रेशम पट की, हुई दीवानी मीरा डोले, दीवानी मीरा डोले, पर
जगत की नाना जी हूँ अब ना नाना जी अब नहीं रहूंगी केस लता सब झटकी खोल दिए केस मीरा ने और मीरा चली है चित्तौड़ को त्याग करने इस तेरा कोई नहीं रो कर्ण हार मगन भय मीरा चली तेरा कोई नहीं रो कर्ण हार तेरा कोई नहीं रो कर्ण हार मगन भय मीरा चली लाज शरम हम की मर्यादा लाज शरम बोल की मर्यादा फिर से दूर करी फिर से दूर करी मान अपमान तो उधर पट तेरा कोई नहीं रो कन्हार मगन भई राजली तेरा कोई नहीं रो कन्हार मगन भई राजली ऊंची अटरिया लाल की वड़िया कोई नहीं हो कन्हार मगन भई मीरा चली तेरा कोई नहीं हो कन्हार मगन भई मीरा चली सुमिरल था बाजू बंद करू ला सोहे बाजू तेरा कोई नहीं रो कन्हार मगन भई राजली तेरा कोई नहीं रो कन्हार मगन भई राजली सेज सुखमणा मीरा सोहे सेज सुखमणा मीरा सोहे और शुभ है आज घड़ी सेज सुख मना मीरा सोए सुख की सेज में आज मैं सोती हूँ आज वही शुभ घड़ी है संत का आदेश मुझे मिल गया शुभ है आज घड़ी शुभ है आज घड़ी तुम जाओ राणा घर अपने मेरा कोई नहीं रो कन्हार मगन भई मीरा चली तेरा कोई नहीं रो कन्हार मगन भई मीरा चली ओ
मीरा जी जब उत्तर पाई संत की आज्ञा जान तब पाई। मीरा चली चित्तौड़ को त्याग, अब तो कृष्ण मिलन की लाग, माने अपनो भाग। मीरा चली है और कहां आई है, मीरा पहुंची मेड़ता, मीरा वृंदा नहीं गई, मीरा अपनी माई के अपने पीहर मेड़ता। मीरा पहुंची मेड़ता तब चित्तौड़ पे संकट आया, एक भक्त का अपमान करने का ये परिणाम है। जो ही मीरा जी ने चित्तौड़ को त्यागा, ये धरती संतों के बल से टिकी है, वरना अब तक तो रसातल में चली गई होती। ऐसे ही चित्तौड़ तो मीरा जी के बल से, भक्ति के बल से टिका था, वरना कब का मुगल चित्तौड़ को वरण कर लिए होते, चित्तौड़ को अपने राज्य में मिला चुके होते। क्योंकि राणा विक्रम तो युद्ध करना जानता ही नहीं था, सारा दिन तो ये मीरा कैसे मरे इसी में ही लगा रहता था, कौन सा युद्ध करता। लेकिन मीरा जी के भक्ति के प्रभाव से चित्तौड़ की लाज बची हुई थी। अब चित्तौड़ से जो ही मीरा जी मेड़ता आई, मीरा पहुंची मेड़ता चित्तौड़ पे संकट आया, एक एक करके चित्तौड़ में सबने प्राण गवाया। बात है इतिहास के पन्नों से छिपाई हुई, प्रायः जानते भी होंगे कुछ लोग। मुगलों ने आक्रमण कर दिया, राणा विक्रम मर गया, सब मर गए, एक से एक बलिदानी इस भारत भूमि पर हुए हैं। उदय सिंह जी की जो धाय मां थी, जब पता लगा कि उदय सिंह एक छोटा बालक अभी इनके वंश का रह गया, तब उदय सिंह को मारने के लिए उनकी धाय मां उनको बचा के अपने कक्ष में ले गई, और उनकी ही उम्र का उदय सिंह तो मेड़ता में थे, महाराणा प्रताप की धाय मां, और उनकी ही उम्र का उनका अपना खुद का पुत्र था, ये राठौड़ वंश की लाज को बचाने के लिए अपने पुत्र की बलिदानी दे दी, मुगलों के सामने छोड़ दिया कि ये है आखिरी वंश इस चित्तौड़ का, और मुगलों ने उसका सर्वनाश कर दिया और महाराणा प्रताप को लेकर चले गए। ऐसे ऐसे बलिदान हुए हैं, सबका नाश हो गया चित्तौड़ में। मीरा जी मेड़ता में आ गई, और जो ही मेड़ता में आई है, मीरा पहुंची मेड़ता चित्तौड़ पे संकट आया, एक एक करके चित्तौड़ में सबने प्राण गवाया। एक बरस बीते तो मेड़ता भी, अब एक बरस मीरा जी रही है मेड़ता में, और एक बरस बीता तब मेड़ता पे भी मुगलों का आक्रमण हो गया। एक बरस बीते तो मेड़ता भी चढ़ाई जी, हे अद्भुत पावन चरित्र महान भक्तिमती मीरा बाई, अब तो मेड़ता पे भी आक्रमण हो गया। अब मेड़ता छोड़ के सब लोग भागने लगे, क्योंकि अभी इतना बल नहीं, इतने शस्त्र नहीं कि मुगलों से जो है लोहा लिया जा सके, सब भाग रहे हैं। मेड़ता से अब मेड़ता से सब नई बिताई, मेड़ता से संग में जाती मीरा पाई, मेड़ता से मीरा जी भी चली है सबके साथ, भाग रहे हैं अपनी जान बचाव जाके। मेड़ता से अजमेर में आए, मेड़ता से अजमेर में आए, मेड़ता से
अजमेर में आए सब अजमेर में आए। फिर अजमेर पे भी आक्रमण हो गया। फिर तो अजमेर से नाराणा में आए अजमेर से नाराणा वहां भी आक्रमण हो गया। फिर वे पुष्कर भाग के आए वहाँ भी सेना पहुंची आए ये जो राम मंदिर का विध्वंस हुआ है मीरा जी के काल के संभवतः आसपास ही हुआ है कि बाबर का आक्रमण उसी समय सब जगह हो रहा था। पुष्कर में भी आया बाबर मंदिर तोड़ने के लिए और पुष्कर में भी जब सेना आ गई तब वहां से भी भागने की बात हो रही है। वहाँ भी सेना पहुंची आए वहाँ भी सेना पहुंची आए अब फिर कहाँ भाग कर जाए अब फिर कहाँ भाग कर जाए अब कहाँ भागे मीरा थक गई। मेरा से अजमेर आई अजमेर से नराना आई नराना से पुष्कर आई और पुष्कर पे भी चढ़ाई है। मीरा के ताऊ जी कहते हैं यहाँ से भी मीरा जाना पड़ेगा। मीरा कहती है कहाँ कहाँ भागूं कहाँ भागूं। मीरा गिरधर से कही अब क्यों वही तरसाओ तेरे कारण सब जग छोड़ा अब क्यों नहीं निकट बुलाओ। आपके कारण सब छोड़ दिया गिरधर आप क्यों मुझे इधर से उधर इधर से उधर भगा रहे हो। तेरे कारण सब जग छोड़ा अब क्यों मोही तरसाओ विरह व्यथा लागी उर अंतर सो तुम आन भुजाओ। विरह व्यथा लागी उर अंतर सो तुम आन भुजाओ विरह व्यथा लागी उर अंतर सो तुम आन भुजाओ। तुम्हें मेरा कोई नहीं है अब क्यों नहीं निकट बुलाओ। मीरा दासी जन्म जन्म की अंग से अंग लगाओ। गिरधर मुझे क्यों अपनाते हैं कितना भागू अब तो अपना दो। मीरा यही पुकार करते करते सोई है और जो सोई है गिरधर नाल स्वप्न में प्रकट हुए हैं। कहा है मीरा मैं तुझसे नाराज हूं। मीरा कहती है क्यों प्रभु आप भी अगर रूठ जाओगे तो मीरा किसके सहारे रहेगी। प्रभु कहते हैं मीरा तू चित्तौड़ से आई तुझे अपना पीहर दिखा फिर अजमेर दिखा नाराना दिखा तुझे पुष्कर दिखा क्या मीरा तुझे वृंदावन नहीं दिखा। तू वृंदावन क्यों नहीं आई मीरा क्यों नहीं आई क्यों भागती है इधर उधर। अरे मरने दे सबको तू बस गिरधर प्रेम कर तुझे वृंदावन क्यों नहीं दिखता मीरा वृंदावन देख। एक बार अयोध्या जाओ दो बार द्वारिका तीन बार जाके त्रिवेणी में नहाओगे चार बार चित्रकूट नौ बार नासिक में बार बार जाके बद्रीनाथ होके आओगे कोटी बार काशी केदारनाथ रामेश्वर गया जगन्नाथ आदि घूम घूम आओगे पर होंगे जहां दर्श प्रत्यक्ष श्याम श्यामा के सुब्रज सा आनंद कहीं और नहीं पाओगे। स्वप्न में गिरधर मीरा को वृंदावन बुलाई हो स्वप्न में गिरधर
के लिए बैलगाड़ियों पे लदवा दी, रथ को बनवा दिए, कहा मीरा अपने साथ ये लेके जाओ, अनेकों दास दासियां लेके जाओ, लेकिन मीरा ने सबको मना कर दिया। वृंदावन जाना है, क्यों जाना है? अब मोही वृंदावन जाना है, रसिक रसीले राधा मोहन उनसो मन लही राना है, उनसे मन लगाने जाना है वृंदावन को ही। वैभव धन या सो राम के लिए नहीं जाना है, जो मीरा आज तक पालकी से नहीं उतरी थी, आज मीरा जी वो रेगिस्तान की तपती रेत में पालकी से उतरी है, अपने पैरों की महूनी उतार दी और तपते रेत में हा गिरधर हा वृंदावन कहती मीरा, मीरा जी वृंदावन जाती, मीरा जी वृंदावन जाती, नंगे पावन दौड़ती जाती, नंगे पावन दौड़ती जाती, नंगे पावन दौड़ती जाती, ये मीरा छाया मन आनंद, मीरा छाया मन आनंद, जाए मिलू वृंदावन चंद, जाए वृंदावन चंद, उठ रही ब्रज दर्शन की उमंग, मीरा जी तपते रेगिस्तान में चल रही है, मीरा जी के पैरों में फफोले ही नहीं, मीरा जी के पैर का तलवा ही उखड़ गया। ऐसे तपते रेगिस्तान में भीषण गर्मी में मीरा जब चली है तो मीरा जी के पैर का तलवा अलग हो गया मीरा जी, लेकिन मीरा वृंदावन की उमंग में इतनी मगन है, मीरा गाती है, तेरी चलो मन श्री जमुना जी के तीर, चलो मन जमुना जी के तीर, चलो मन जमुना जी के तीर, चलो मन जमुना जी के तीर, जमुना जी के तीर, चलो रे मन जमुना जी के तीर, चलो मन जमुना जी के तीर, चलो मन बंसी बजाए बुलाए कान्हा, बंसी बजाए बुलाए कान्हा, बंसी बजाए बुलाए कान्हा,
बिन देखे अब रह नहीं पाऊं, बिन देखे अब रह नहीं पाऊं, बिन देखे अब रह नहीं पाऊं, बिन देखे
सी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरी गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरी गुण गाने लगी, महलों में पली बनके जोगन चली, कहानी लगी ऐसी लगन। वो तो गली गली हरी गुण गाने ऐसी लगन, मेरा हो गई मगन। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, कोई पली बन के जोगन चली।
के मीरा रानी दीवानी कहने लगी है दीवानी। पावन परिक्रमा हार भक्तिमती मीराबाई जी जो ही ब्रज की सीमा आई आई है अब तक तो मीरा जी भाग भाग के नंगे पांव भाग रही है। हाँ वृंदावन मेरो प्यारो वृंदावन प्राण वृंदावन जीवन वृंदावन कहती मीरा रही है। लेकिन अब जो ही ब्रज की सीमा आई है मीरा जी ने चलना भी छोड़ दिया और वही लौट गई। मीरा जी वृंदावन में कैसे प्रवेश करी है ग्रंथ में लिखा है। मीरा जी चली नहीं मीरा जी लौट 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 होती हुई ब्रज में आई है। जो ही ब्रज की सीमा आई सब ब्रज रज में लौट लगाई मीरा अंग अंग ब्रज रज छाई हर कण गोविंद दिखे दिखाई। मीरा को वृंदावन में सब जगह कृष्ण दिखता है। हर कण गोविंद दिखे दिखाई मीरा अंग अंग ब्रज रज छाई जाने की ड्रेस नियुक्त होती है स्कूल में जाने की यूनिफॉर्म नियुक्त है उसी प्रकार वृंदावन में आने की ये यूनिफॉर्म नियुक्त है रसिकों के द्वारा जिसके माथे पे ब्रज रज होगी जिसके अंग अंग पे ब्रज रज लगी होगी उसे ही स्कूल में अंदर आने दिया जाएगा वरना दरवाजे पे ही खड़ा कर दिया जाएगा। उसे वो पत्थरों का वृंदावन दिखेगा और जो ब्रज रज में सना होगा उसे चिन्ह वृंदावन दिखेगा। मीरा अंग अंग ब्रज रज छाई हर कण गोविंद दिखे दिखाई एक बहु बंसिन पुर धुन पाई वृंदावन के कण कण में युगल की लीला समाई यमुना जी की लहर भी लहर लहर लहराई वृंदावन के कण कण में। रसिक जन कहते हैं एक एक कण पे एक एक कण पे ब्रज के एक एक कण पे प्रिया प्रीतम के करोड़ों करोड़ों बार चरणारविंद पड़े हैं। एक एक कण पे करोड़ों करोड़ों बार प्रिया प्रीतम के चरणारविंद पड़े हैं। ये साधारण भूमि नहीं है। मीरा जी को चिन्मय वृंदावन दिखता है। प्रियाजू के श्याम सुंदर के नूपुर की ध्वनि आती है बंसी की ध्वनि आती है सब जगह प्रिया प्रीतम की लीला दिखती है। वृंदावन के कण कण में युगल की लीला समाई यमुना जी की लहर भी लहर लहर लहराई। मेरो वृंदावन प्यारो वृंदावन
गोपाल चरित्र महान तेरी लागे वृंदावन नी को लागे वृंदावन नी को लागे वृंदावन नी को लागे वृंदावन लागे वृंदावन को सुनी भी बात है जब उन्होंने ये पद गाया था तब बताई थी ये बात कि अपने बचपन में हम जब पूछते थे अपने बड़ों से कि वृंदावन में कितने मंदिर हैं तब वो बताते थे कि 6000 मंदिर हैं। 98 से भी यानी 70 वर्ष पहले चले जाओ तब की तब थे 6000 मंदिर और 6000 मंदिर तो उन्हें पता होंगे जिनसे उन्होंने पूछा तो सोचो कितने होंगे क्योंकि मीरा जी भी कह रही है घर घर तुलसी ठाकुर सेवा घर घर जब मीरा जी वृंदावन में आई है सबसे पहले कहा गई गोविंद देव जी के मंदिर में ही गई है जो गोविंद देव जी अब राजस्थान में है वही गोविंद देव जी जो इस भक्तमाल के प्रथम श्रोता है जिनके स्वरूप को हमारे ठाकुर जी कॉपी कैट करके बैठे हैं पीछे दुनिया लेके ऐसे ही गोविंद देव जी बैठते हैं वही गोविंद देव जी के मंदिर में सबसे पहले मीरा कहीं वृंदावन में गई है गोविंद देव जी के मंदिर में घर घर तुलसी ठाकुर सिंहासन आप विराजे
रतन सिंहासन आप बिराजे, मुकुट धरो तुलसी को, लागे बिन्दावन की, लागे बिन्दावन की, आदि लागे
सबसे पहले मीराबाई गोविंद देव के मंदिर जाई, गोविंद ये वही मंदिर है जिसे मुगलों ने उड़वा दिया। इसके शिखर पे जो ध्वजा फहरती थी और जो शिखर पे नित्य एक दीपक जोड़ा जाता था जो दिल्ली से भी दिखता था, इतना विशाल मंदिर था, और इसको तोड़वा दिया गया। ये वही मंदिर है गोविंद देव जी का, जिसके भार श्री गर्जना हनुमान जी विराजमान है। औरंगजेब जब आया तो दहाड़ मार के हनुमान जी उस पर टूट पड़े, ऐसा घबरा गया कि उसके बाद उसने किसी मंदिर पे आक्रमण नहीं करा, वहीं से भी वापस लौट गया। ये गोविंद देव जी का मंदिर। सबसे पहले मीराबाई गोविंद देव के मंदिर जाई, दर्शन करके भई निहाल। ये गोविंद देव जी को प्रकट किसने करा? श्री रूप सनातन गोस्वामी जी ने प्रकट करा। ये वृंदावन अगर हम देख पा रहे हैं तो ये श्रीमद महाप्रभु का कृपा प्रसाद है, वरना वृंदावन तो लोप हो चुका था। महाप्रभु ने अपने को भेजा है और उन्होंने आके वृंदावन को प्रकट करा है, गोविंद देव जी को प्रकट करा है श्री रूप सनातन गोस्वामी पाद जी ने। और ये कोई साधारण नहीं थे, इनका चरित्र अगर पढ़ो तो पाओगे इतना धन था इनके पास। कहते हैं 22 लाख तो स्वर्ण मुद्राएं थी, 22 लाख उस जमाने में जब वृंदावन लोप था, 22 लाख तो स्वर्ण मुद्राएं थी और एक एक मुद्रा का वजन 56 ग्राम था। ये कोई निर्धनों ने नहीं आके भजन करा, ये धन वैभव को तो ठोकरे मार के निर्धन का चयन करा गया है। इस वृंदावन को साधारण मत समझो, इन्होंने अपने रक्त से सींचा है इस वृंदावन। 22 लाख स्वर्ण मुद्रा जिसमें से 56 ग्राम की एक एक मुद्रा थी, इतने की तो गिनती है और कितना धन और जमीन जायदाद होंगे। और महाप्रभु की एक आज्ञा से वृंदावन आए हैं और वृंदावन की समस्त लीला स्थलियों को श्री रूप गोस्वामी पाद ने और श्री जीव गोस्वामी पाद जी ने प्रकट करा है। 333 लीला स्थलियां तो श्री रूप सनातन गोस्वामी पाद जी ने ही प्रकट करी, 333 लीला स्थलियां। बोलो हमने कितने दर्शन करे। हम तो जाएंगे बिहारी जी, चाट का टिक्की पकौड़ी खाएंगे आ गए। वृंदावन में जाते ही कहां है 333 तो श्री रूप सनातन गोस्वामी पाद जी ने प्रकट करी है। महाप्रभु तो बहुत पीछे आए, बहुत बाद में आए वृंदावन, पर महाप्रभु ने आके श्री राधा कुंड को प्रकट। ये गौड़ीय संप्रदाय के आचार्यों ने अपने लहू से सींचा है वृंदावन को प्रकट करा है। इन्हीं के पास आए हैं मीरा जी गोविंद देव जी के मंदिर में, गोविंद देव जी को प्रकट करने वाले श्री रूप सनातन गोस्वामी पाद वहीं मीरा जी सबसे पहले आई हैं। और इस प्रसंग तक हम इसलिए आए हैं क्योंकि जब गोविंद देव जी के मंदिर में मीरा जी आई हैं, वहां की महिमा मीरा जी ने कहा है बताओ, तब बताया है कि श्री पाद रूप सनातन गोस्वामी जी ने इन गोविंद देव जी महाराज को प्रकट करा। तब मीरा जी ने कहा मुझे उनके बारे में बताओ, तो जब उनके बारे में जिज्ञासा करी
तब श्रीमद महाप्रभु के बारे में मीरा जी को कुछ कुछ जो पहले सुना था अपने दादाजी के अंतिम क्षण में जब चैतन्य दास महाराज जी आए थे, वो सब बातें याद आई। श्रीमद महाप्रभु, पूछा महाप्रभु कहाँ है अभी, तो बताया महाप्रभु तो इस समय लीलांचल में है, नीलांचल में महाप्रभु विराजमान है। वहां क्यों है? क्योंकि माता की आज्ञा है, महाप्रभु वहीं रह के भक्ति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और वहीं पे मीरा जी परम सौभाग्य है आपका। आपको मैं बताऊं, वहीं पे श्री जगन्नाथ महाप्रभु विराजमान है, और वही जगन्नाथ महाप्रभु भक्तों को दर्शन देने के कारण अपना गर्भगृह छोड़ देते हैं, और गर्भगृह से बाहर आके रथ पे आरूढ़ होके भक्तों के साथ झूमते नाचते गाते हैं। तब मीरा जी ने कहा, ऐसे दिव्य जगन्नाथ जी की महिमा मुझे सुनाओ। तब मीरा जी को दिव्य जगन्नाथ जी की रथ यात्रा और महिमा को गाया है, जो हम कल सुनेंगे। मीरा जी सुनेंगे चरित्र में कैसी जगन्नाथ जी की दिव्य रथ यात्रा है, कैसी जगन्नाथ जी का दिव्य स्वरूप है। मीरा जी सुन रही है, हे अद्भुत पावन चरित्र महान भक्ति मीरा गोपिका प्रेम प्रगट कल युग ही सिखाए, गोपिका प्रेम प्रगट कल युग ही सिखाए, निर अंकुश अति निडर रचित दशरथ नागायो, दुष्टनि दोष विचार मृत्यु को उद्यम कियो, पर बार न बाका भयो करल अमृत जो पियो, भक्ति निधान बजाए के, काल तेरा ही नजरी, लोक लाज कुल श्रृंखला से ही टीवी ओडिया पर उसी प्रकार जिस प्रकार स्नान यात्रा आई थी, उसी